नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट बीपीएस परिहार में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कल की क्लास में मजा आई थी ना आप लोगों को, तो अब ऐसे ही दिन ब दिन क्लास उठती जाएंगी और दिन ब दिन आप भी नौकरी की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जानते हो अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो तौली है मिट्टी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपना सवाल, पहला क्वेश्चन, और आप लोग पढ़ते रहिए फटाफट। वीडियो पे लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से धड़ाम 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 मारो, गर्दा मचा दो, धुआं कर दो। सवाल आता है आपके सामने ऐसे, इसमें पूछता है ये संख्या, मतलब पूछता है शेष क्या बचेगा, या ऐसे पूछता है कि ये संख्या पूरी तरह कैसे विभाजित होगी या शेष कैसे बचेगा, ये सवाल आपके पास आएगा। जल्दी से कीजिए, कैसे करेंगे? देखो, इस प्रकार के सवाल में कुछ फॉर्मूले होते हैं और जो आप लोग पढ़ पढ़ के भूल जाते हो। सवाल में मेरे भाई फार्मूला कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। अगर 68 की पावर 88 को 67 से भाग देना है, यदि 68 की पावर 88 को 67 से भाग देना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई? 68 की पावर 88, ठीक है ना, माइनस में 1 प्लस में 1 बटे में 67। क्या मेरे भाई ये 68 माइनस 1 जो होता है, जो 67 हो गया, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो ये कितना बच गया? 68 माइनस 1 67 हो गया, 67 कट जाएगा, ऐसे कटता है तो एक बचेगा, 1 की पावर 88 कुछ होता है नहीं। और जब पूरा कट ही जाएगा तो आप क्या बचाओगे? इसलिए हमें शेषफल क्या बचेगा, जो इधर वाली संख्या है हमेशा यही शेषफल बचेगी। अभी देखो इसका डाउट कैसे दूर करते हैं, क्वेश्चन क्या होता है आपके लिए इसमें, एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिए इसमें से, मैं दे रहा हूं आपको, अभी दूसरे क्वेश्चन में डाउट क्लियर होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, 18 की पावर 15 प्लस 4 बटे 17, अगर 18 की पावर 15 प्लस 4 बटे 17 है तो इसको काटना है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अगर n, n क्या है, जो ये पावर है, अगर n सम हो, यदि n सम हो तो x की पावर n माइनस 1, यदि n सम हो तो x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से विभाजित होगा, ये होता है इसका नियम। लेकिन आपको नियम की तरफ नहीं आना है मेरे भाई, आप नियम की तरफ जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो आपको नियम की तरफ नहीं जाना है। और यहीं पे होता है, यदि n विषम हो, यहां पे क्या है, यदि सम या विषम हो, यहां होता है यदि n विषम हो तो x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाजित होगा। ध्यान रखना, x प्लस 1 से विभाजित होगा। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना है सवाल में। आपको करना क्या है, हम सारे सवाल बताएंगे। देखो हटा दें इसको, ठीक है। देखिए आपको सवाल को कैसे करना है, यहां पे देखना है, 18 की पावर 15 प्लस 4 था और बटे में 17 था, आपको हमेशा नीचे वाले के बराबर ऊपर वाला बनाना है। ध्यान रखना, आपको हमेशा नीचे वाले के बराबर ऊपर वाला बनाना है, ठीक है ना। जब उसके बराबर बना लेंगे तो ऑटोमेटिक जो बचेगा वही आपका उत्तर होगा। ध्यान रखना, अगर एक इसमें कंडीशन और आती, यहां साइन अगर प्लस है, तो अगर चिन्ह यहां पे प्लस है तो हमेशा आप जो साइड वाला दाहिनी तरफ बचेगा वही आपका उत्तर होगा। कैसे देखना, 18 की पावर 15 प्लस 4 बटे 17 था, क्या 18 की पावर 15 जो लिखा है मेरे भाई ये, ठीक है ना, प्लस 4 दिखा है आपके पास, ठीक है ना। अब आपको इसको 17 बनाना है, तो माइनस 1 और प्लस 5 कर दोगे तो 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन आप लोग करते क्या है, कहते हैं माइनस 1 प्लस 5 17 बन गया, बटे में 17 लिख दिया मेरे भाई, यही तो लिखा है, बटे में 17 लिख दिया, तो उत्तर क्या आया? हमने कहा था यहां अगर साइन अगर प्लस में आएगा, चिन्ह अगर प्लस में आया, धन आया, धनात्मक आया,
तो जो आप इस मॉडिफाई करोगे इन चीजों को, बगल वाली चीजों को, जो सबसे दाहिनी तरफ बचेगा वही क्या होगा आपका उत्तर। क्या बचा है मेरे भाई? पांच बचा है, तो पांच उत्तर हुआ ना मेरे शेर। जल्दी से वीडियो को धकाधक लाइक ठोंक दो। देखो, आपने 18 माइनस 1 कर दिया तो 17 के बराबर हो गया, और ये आपने अगर माइनस 1 प्लस 5 लिखा है तो प्लस 4 है, ये तो प्लस 4 है, मतलब दोनों कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है, उत्तर आपका तुरंत आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना बताया जाए उतना करो, एन सम हो विषम हो तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब कुछ ना करना। समझ में आया? चलो अगला सवाल। ठीक है मेरे भैया, लो एक सवाल आपके सामने आता है, 45 की पावर 50 माइनस 9 बटे में 44, इसमें क्या आएगा शेष? जरा बताइए आप उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताएं, लगाएं, शेष क्या बचेगा जल्दी से बताइए। देखो हमने प्लस बताया था, यहां साइन माइनस है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं, ये जल्दी से लगाइए। और दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके पास, 55 की पावर 90 माइनस 11 बटे में 54, दो क्वेश्चन आपके पास हैं। देखो सवाल को कैसे करना है हम बता रहे हैं, यहां पे दूसरी तरह का माइनस चिन्ह आ गया, पहले चिन्ह प्लस आया था तो जो बचता था वो इसे उतार देते दाएं तरफ। अब करना क्या है, 45 लिखा है आपके पास, ठीक है, माइनस 9 लिखा है, ध्यान देना माइनस 9। अब माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ यार, माइनस 9 को ऐसे लिख सकते हो माइनस 1 प्लस 8 अगर, और 45 की पावर 50 था भाई, 45 माइनस 1 कितना होगा, 45 माइनस 1 सर होगा हमारा 44, और अगर 1 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है आपके लिए, तो आपको सवाल को, सॉरी ये माइनस रहेगा यहां पे भी, ठीक है ना, माइनस 8, ठीक है माइनस 8 रहेगा ये। अब कहा आपने बटे में दिया था 44, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब माइनस यहां आएगा तो जो राइट साइड वाला ये बचेगा आपको इसी में से घटा देना है हमेशा, तो 44 और माइनस 8 करोगे आप कितना आएगा, 36 आपका उत्तर ये आया हमें, 36। मतलब प्लस वाला अगर आता है आपको, ये क्या समझ में आया, देखो ये वाला अगर प्लस वाला आता है तो ये वाला उत्तर होगा, और अगर आपके पास माइनस वाला आ गया यहां पे चिन्ह माइनस हो गया तो आप जो है नीचे वाले से तुरंत माइनस कर देंगे जो राइट साइड बचेगा। प्लस वाले में राइट साइड वाला उत्तर देना है और माइनस वाले में राइट साइड वाला नीचे वाले से घटा देना, बस इतना करना है, और सम विषम नहीं ध्यान रखना है कुछ भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नीचे वाला सवाल कीजिए आप लोग जल्दी से। ये सवाल है आपके पास, 55 की पावर 90 माइनस 11 बटे में 54, जल्दी करो मेरे शेर। बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने किया क्या होगा, 55 की पावर 90, कंधों पे सितारे लेके जाना है आप लोगों को, दरोगा बन के जाना है दरोगा, और आप लोग वर्दी सिला लो, ठीक है, क्योंकि दरोगा हमेशा हर कंडीशन में बना के भेजेंगे। चलो 55 की पावर, इसको क्या लिख सकते हो आप, -1 -10 बटे में 54। भाई -10, 55 में से एक गया, 54 बचा, 54 से 54 उड़ गया, एक प्रकार से मान मन में समझना है आपको। और -1 -10 क्या होगा, 11 हो गया, तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है, 11 हो गया। आपको मैंने कहा था अभी, इसमें से अगर माइनस वाला चिन्ह आता है तो हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाला घटा देंगे दाहिनी तरफ वाला, तो 54 माइनस 10, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 54 में से 10 घटाओगे 44 उत्तर आएगा, ये आएगा आपका उत्तर, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करना है, मारो धुआं धुआं मचा दो, गर्दा मचा दो। याद करो जिस दिन तुम बगल में काली वाली पिस्टल लगा के बुलेट से निकलोगे ना, तो लोग देखते देखते लोग गिर पड़ेंगे तुमको देख के। अरे स्मार्टनेस तो तुम्हारे अंदर है ही, ये बहुत अच्छी, ये तो हम जानते ही हैं, तो अपनी स्मार्टनेस का फायदा उठाओ यार, खूब अच्छे से पढ़ो, ठीक है, पूरा पूरा हमारा साथ है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, नीचे गए जो, इसके अगर कोई बच्चा
पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वाली वीडियो को या प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली वीडियो देख ले, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए ये आया, 75 + 35 / 76 बराबर क्या होगा? हे मेरे शेर, तुम उम्मीद है ये वाला सवाल कर दोगे और हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरना तुम, ठीक है। हम जानते हैं आप करेंगे, हाँ, जैसे आप लोग उम्मीद लगा के जाते हो ना कहीं पे कि आज मार्केट निकल रहे हैं, जा रहे हैं सब्जी लेने, अब वो मिलेगा, अरे मिलेगा मतलब मिलेगी, तो वो मिलेगी, वैसे हम भी उम्मीद लगा के रखे हैं कि आज ये सवाल का उत्तर दोगे। देखो बहुत सही आप लोग दे भी रहे, देखो 75 / 65 आपने किया क्या भाई? सर प्लस मिला हमको, कुछ नहीं मिला हमको, प्लस मिला। कहाँ प्लस मिला? यहां प्लस मिला। तो आप देखो नीचे वाला हो गया बड़ा, तो 75 लिखा है कि पावर 65 प्लस 1 कर दो, प्लस 34 कर दो मेरे शेर, बटे में 76। क्या ये 75 + 1 = 76 हो गया? और 34 + 1 = 35 करोगे तो 34 + 1 = 35 भी हो गया। अब तो समझ में आ गया क्या है उत्तर, जल्दी बता दो क्या है उत्तर। आपको मैंने ये बताया था अगर प्लस वाले में, अभी पहला क्वेश्चन था प्लस वाले में, अगर लास्ट में जो भी बचता है क्या होता है वही उत्तर, कुछ करना नहीं करना। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस है, फिर से एक बार ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो जो ये बचेगा लास्ट में आएगा यही उत्तर होगा। अगर यहाँ चिन्ह माइनस है तो जो ये लास्ट में बचेगा उसको नीचे वाले से घटा देना, वो उत्तर होगा आपको। है कोई समस्या? पक्का सवाल दूसरा करो फिर, नहीं समस्या है तो। देखो कब करना है आपको, 86 / 55 ठीक है ना, बटे में 87, और यहां करना है आपको प्लस 14। अब इसमें क्या आएगा जल्दी से सवाल करो, 86 / 55 + 14 / 87 सवाल है इतना बड़ा गुरुजी, आप तो बता रहे हैं सेकंडों में, तो सवाल ही आपको 2 सेकंड में करने हैं। देखो सिलेक्शन के लिए बेटा आपको मिलता कितना है मेरे भाई, 30 सेकंड मिलता है, 35 सेकंड सवाल में मिलता है मेरे भाई, तो आप करते क्या हो इसको? अगर आप सवाल 10 सेकंड नहीं सॉल्व करोगे, 5 सेकंड नहीं सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? कुछ क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दी से करना है आपको। देखो करना क्या है, ध्यान देना आपको, देखो 86 + 1 + 13 बटे में कितना आएगा 87, अब पावर में था 55, 87, ये 87 कट गया, डायरेक्ट उत्तर 13 दे दिए। ध्यान देना कैसे देना है। अब एग्जाम में एग्जाम का मेथड बताया जाता है, एग्जाम में कैसे करना है। आपको सवाल दिखा मेरे भाई 35 यहां दिखा, यहां 75, यहां 76, मतलब ये जो है बड़ा ये छोटा है, तो इसको करोगे, इसको जब तोड़ोगे अपने मन में तो 1 + 34 में तोड़ोगे तभी 35 होगा, तो 34 उधर आएगा, वही 34 उत्तर, लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां देखा आपने 13 + 1 = 14, तो 13 दाहिनी तरफ आया था वही उत्तर हो गया। मान लो यहां माइनस होता डायरेक्ट, अभी मान लो यहीं पे माइनस होता आपके पास, अगर यहां माइनस होता तो 87 - 13 घटा देते आप, 87 में से 13 घटा देते आपके पास 74 उत्तर बचता, तो आप 74 उत्तर बताते। क्यों ले तो घटाना, और दाहिनी तरफ घटाना तो घटा के उत्तर दो, लिखने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में आपको, डायरेक्ट उत्तर बताओ, ठीक है। लो अगला सवाल जल्दी से कीजिए, तब तक आप लोगों के लिए लिखते हैं दूसरा सवाल हम। 35 / 55 + 5 / 34 करो सवाल, बताओ उत्तर जल्दी से, फटाफट बताते रहो, सटासट सवाल करते रहो, ठीक है मेरे शेर। कोई समस्या है? नहीं तो लगे रहो जल्दी से उत्तर बताते रहो। देखो कहा 43 / 45 + 5 / 44 आया, आपने क्या कहा? सर ने आपने तो प्लस बताया था, प्लस में हम करेंगे क्या भाई? नीचे वाला क्या है बड़ा, ऊपर वाला क्या है छोटा, तो आपने क्या किया कि ऊपर वाले को कर लिया बराबर, तो 43 / 45 आपने किया 45, और इसको करना है प्लस 1 और प्लस में 4 / 44 भाई, यही साहब उत्तर हो गया आपका। कोई दिक्कत है भाई साहब? हाँ हीरो की तरह सवाल लगाओ मेरे भाई साहब, बारात में आएंगे डांस करने तुम्हारे, दरोगा बन गए जिस दिन,
ठीक है ना, बिना बुलाए पहुंचेंगे। सवाल कीजिए। आपको सामने दूसरा सवाल आया, 33 की पावर 55 प्लस 5 बटे में 34। अब डायरेक्ट उत्तर बताएंगे, इसको सवाल नहीं लगाया जाएगा। भाई देखा आपने 33, इसको बराबर करना है तो प्लस 1 करते यहाँ पे और प्लस 4 करते यहाँ पे, तो लास्ट वाला यही उत्तर होता। समझ में आया? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखो माइनस वाला आ गया, और इसी के सामने एक सवाल और लिख दिया जाता है, 55 की पावर 87 माइनस में 17 बटे में 56। करो, दोनों सवाल करिए, जल्दी से बताइए उत्तर मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी बताइए सवाल का उत्तर। आया? ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आप लोगों को थोड़ा सुनाते हैं एक चीज। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर की ही इंसान को चलना सिखाती है। पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर लगी, सवाल आया। इसका उद्देश्य शायरी सुनाना नहीं था मेरे भाई। पहला सवाल में ठोकर लगी, आपको नहीं आया, आपने मेहनत किया, दूसरा सवाल भी दिक्कत कर गया, लेकिन ठोकर लगी तो तीसरा सवाल तो आ गया। तो ठोकरों से चलना सीखो मेरे भाई। और एक बात बताऊं, जो ठोकरें खा खा के चलना सीखते हैं उनको गिराने वाला इस दुनिया में कोई माइक लाल पैदा नहीं है। इसलिए पढ़ो 85 की पावर 97 माइनस 27। अभी आपको बताया था डायरेक्ट करने का मेथड। आप इसको 85 और 86 है, इसको बराबर करना है आपको, तो इसको क्या करोगे, प्लस 1 और प्लस 26। यहां प्लस 1 प्लस 26, कैसे देखो माइनस 1 और माइनस 26 सॉरी। तो किया आपने 85 की पावर 97 माइनस में 1 माइनस में 26 बटे में 86, ठीक है ना, प्लस 1 और यहां होगा प्लस 1 और 26 है, ठीक है ना। देखिए यहां नीचे लिखता हूं मैं, जल्दी कीजिए। कि आपने देखो सवाल क्या था आपके पास, 85 की पावर 97 ठीक है ना, और आपके पास 27 बनाना था। ध्यान से सुनिएगा, 27 बनाना है, प्लस में एक करोगे पहला काम तभी तो 86 होगा, सॉरी तभी तो 86 होगा, प्लस में एक करोगे तभी 86 होगा, 86 के बराबर बन गया। अब इसमें क्या कर दिया जाए कि ये 27 के बराबर भी हो जाए, क्या यहां पे माइनस लगा के 28 लिख दिया जाए तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। माइनस एक में से अगर 28 घटाओगे माइनस 27 बचेगा, यही तो लिखा था 86, और हमने कहा था जो लास्ट में बचेगा वही घटा देना, उत्तर हो जाए, जल्दी से घटा के उत्तर बता दो। क्या किया, 86 माइनस 28 किया, आया उत्तर, चलो 58 आएगा, ठीक है ना, इसलिए उत्तर बताते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी एक सवाल दिया था आपको मैंने, 45 की पावर 87 माइनस में 17 बटे में 46 करो, ये सवाल करो आप लोग, ये हटा दे, ठीक है, जल्दी से कापी कलम बैठे रहो लेके, सवाल मिले बाघों की तरह झपट पड़ो, तुरंत उत्तर बताओ। आपने क्या किया सवाल को, 45 लिखा था कि पावर 87 था आपके पास, ठीक है, माइनस में देखो 17 है आपके पास, पहला काम इसे 46 बनाओ, प्लस 1 करो 46 बन गया, अब 17 बनाना है, माइनस में 18 कर दो, हो गया 17 बटे में 46। भाई इसी 18 को तो 46 में से घटाना होता है, 46 में से 18 घटाओगे तो 38, अरे 18 कहां गया, 46 में से अगर 18 घटाना है आपको, पहले 8 घटा दो, 46 में से 8 घटाओगे 38 बचेगा, और फिर 10 घटा दो, क्या 28 बचेगा, यही आएगा उत्तर। हाँ यही आया उत्तर, तो अगर आया तो चोरी से क्यों, चोरी चोरी छुपके छुपके वाला जमाना चला गया है, ठीक है ना, अब सामने है सीना जोरी वाला जमाना। चलो सवाल करो, आ गया समझ में, अगला सवाल देखो, अब दूसरे कुछ सवाल आने जा रहे हैं आपके सामने। ये सवाल आया, अब तो धाकड़ सवाल आएंगे आपके सामने। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, वाह 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 वाह, यह जमीन पर कुल पैर जो हैं 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या
60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है। अब इसमें यह नहीं समझ में आता सर कि सर ये भेड़ के सर कितने हैं, भेड़ें कितनी हैं, ठीक है ना, या कुछ कितने हैं, कोई या 230 पैर हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। करोगे आप लोग सवाल को, हम बताएं, एक सवाल हम बताते हैं, दूसरा आप लोग करिए। आप जानिए गड़ेरिया जो हैं आदमी होते हैं, ठीक है ना, यहां मेरा किसी जाति से संबंध नहीं है, केवल ये कि भेड़ चरा रहे हैं, एक आदमी समझ लो, आदमी जो है वो भेड़ चरा रहे हैं। अब भाई आदमियों के कितने पैर होते हैं जरा हमें आप बताइए, तो दो पैर होते हैं। चलो यहां लिख लेते हैं, आदमी के दो पैर होते हैं, ध्यान से देखिएगा, और जो भेड़ हैं उनके कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। आदमी का एक सर होता है, भेड़ के कितने, एक सर, सबके एक ही होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपने किया क्या, कुल गड़ेरिया अपनी भेड़ चराने, ये जमीन पर कुल 230 पैर हैं, ध्यान रखना, पैर की बात करिए, आदमी के कितने पैर, आदमी को मान लो x, भेड़ को मान लो y, आदमी के कितने पैर, 2x हो गया, क्योंकि आदमी के कितने पैर होते हैं, दो, ये लिखा है, प्लस भेड़ के कितने पैर होते हैं मेरे भाई, चार होते हैं, 4y बराबर क्या है, 230 दिया है आपके पास, ध्यान दीजिएगा 230 दिया है। एक सवाल अच्छे से समझ लो, अच्छे से, उसके बाद समस्या नहीं होगी। थोड़ा इधर लिखते हैं जिससे ये पूरे पेज में आ जाए, सवाल को ऊपर कर दिया जाए, ठीक है। अभी आपने लिखा 2x प्लस 4y बराबर 230, यही तो था क्या, इसमें दो कॉमन ले लिया जाए। अगर इसमें दो कॉमन ले लेते हो मेरे भाई, देखो नॉर्मल मेथड आप चाहे जैसे कर सकते हो, तो ये बच्चे क्या, x प्लस 2y बराबर 115 बराबर 230 है, तो ये जब दो से कॉमन लोगे, यहां 230 आएगा, यहां 230 लिखोगे आप, इसको काट दोगे तो 115 तो आएगा, तो मतलब आपके पास बचा क्या, x प्लस 2y बराबर 115, ये पहला समीकरण हो गया। देखो बड़ा सवाल नहीं है, केवल पहला मेथड हम आपको बड़ा करके बता रहे हैं जिससे सारी सवाल आप लोग समझ लो। कह रहा उनके सिरों की कुल संख्या, दोनों के एक ही एक सिर होते हैं, सिर एक ही होते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना होता है, सिरों की कुल संख्या कितनी है, 60, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब सवाल कीजिए आप, ठीक है ना, इतने हो गए। अब दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लो, दोनों के सर वो निकल आएंगे। दूसरा वाला क्या आया था, देखो पहला दूसरा ये आ गया, पहला ये आया है समीकरण आपके पास, दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 60 है, ये दूसरा समीकरण है। सवाल को कीजिए जल्दी से, एक सेकेंड के अंदर सवाल कीजिए जल्दी से, साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, सही से, ठीक है ना, जल्दी कीजिए। किस किस बच्चे का आ गया सवाल, जल्दी से सवाल कर लो, नहीं तो भैंस चरवाएंगे सबसे, हम भैंस चराना पड़ेगा, जल्दी से आया। देखो करना क्या है मेरे भाई, सिंपल सा, ये तो गया उड़, ठीक है ना, ये बचा वाई, ये क्या हुआ, घटेगा तो सब 115 में से अगर 60 घटाओ कितना बचेगा, 55 आया। अब इसी 55 को किसी भी समीकरण में उठा के रख दो, किसी भी समीकरण, चलो समीकरण 2 में रखते हैं y की वैल्यू, समीकरण 2 में y की वैल्यू रख के उत्तर बताओ हमें जल्दी से, आप लोग फटाक से समीकरण 2 में 55 की वैल्यू रख के हमको उत्तर बताइए आप लोग। आया, एक में रख दो, दो में रख दो, तीन में रख दो, किसी में भी रखो, अगर रखो लेकिन जल्दी से, जल्दी सवाल कीजिए आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बच्चों लोग जल्दी करते रहो, जल्दी करो मेरे शेर। आया किस बच्चे का, आया, मैं रख देता हूं, चलो देखो
ये समीकरण दो था, इसमें वैल्यू रख दो आप, किसकी वैल्यू रखोगे, या एक में रख दो किसी में रख दो, y की वैल्यू, x की वैल्यू आपको पता नहीं है, y की वैल्यू आपके पास 55 आई है, ठीक है ना, और बराबर में क्या दिया है 60। मेरे भाई अगर x बराबर 60 में से 55 उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना बचा 5। आपसे पूछा क्या था मेरे भाई, भेड़, भेड़े, ये देखो y था ना भेड़, पहले आपने माना था y, तो पास कितनी संख्या आई 55। अब सवाल को देखो कैसे करना है आपको एग्जाम में, एक अगले इसी पेज पे दिखाते हैं आपको। पहला समीकरण आपको देखा आपने, कहा कि 2x, आपने देखा 2x, 2x प्लस 4y आपके पास आया बराबर 230 था आपके पास, आपको मन में सोचना है 2 कॉमन आएगा 115 बचेगा, मतलब नॉर्मली, तो आपको डायरेक्ट लिखना ही है x प्लस 2y बराबर 115, और दूसरा बचेगा x प्लस y, क्योंकि एक ही एक सर होते हैं यहां, पहले यहां पैर लिख लिया करो और नीचे सर लिख लिया करो और तुरंत काट दिया करो, यहां था 60, आपको पता है ये होगा, ये 55 बचेगा, ठीक है ना, ये कटेगा, ये y, 2y में से y जाएगा, y बचेगा, पहला ही उत्तर आ गया, कोई समस्या, एक स्टेप में आपका सवाल लग गया। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया वो समझना जरूरी है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, बहुत सुंदर, अगला सवाल करते हैं, ये लो अगला सवाल आपके पास आता है, ठीक है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताओ। आप लोग तो तोता पालते होगे ना, बहुत लोग प्यार पालते हैं तोता, मिठू मिठू करते हो आप लोग, हमने सुना है। चलो सवाल करो, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे भाई साहब, ध्यान देना है क्या आपके पास, तोते, ठीक है, तोते, तोते, और बात पहले देखना है बात किसकी किसकी हो रही है, बकरियां चर रही, नीचे क्या है, बकरियां। आप ये बताओ हमें तोते के कितने पैर होते हैं, 2, सर एक होता है, बकरी कितने पैर, 4, सर सबके एक होते हैं, किसको ही ऐसे आदमी नहीं जिसके 2 सर होते हैं, ठीक है ना। अब आपसे कह क्या रहा है, यदि सिरों की कुल संख्या, यदि उनके सिरों की कुल संख्या, सिर एक एक होते हैं, एक को मान लो इसको एक्स, इसको वाई मान लिया करो, हमेशा कुछ भी ए बी मान लो, राम श्याम मान लो, यदि उनके सिरों, सर एक एक सिर होते, कुल संख्या 35 है, पहला समीकरण। दूसरा क्या है, उनके पैरों की कुल संख्या, भाई पैर कितने हैं, देखो अभी आपने निकाला था 2x, तोते के 2 पैर प्लस, और बकरी कितने पैर, 4 पैर, 4y बराबर क्या था, दिया है 90। हमें ये बताओ यहां 2 कॉमन लोगे, अभी आपने निकाला था 2y बराबर क्या बचेगा 90, ये कटेगा 45 आएगा, क्या हम डायरेक्ट यहां पे लिखें x प्लस 2y बराबर 45, और हम यही तो काटना था हमें, चलो काट देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये उड़ा, ये बचेगा वाई 45, 35 में से ये पहला ऑप्शन ऊपर होगा, देखिए फिर से, किसी बच्चे को अगर कहीं कोई समस्या होगी जल्दी बताइएगा। समीकरण आपके पास क्या आया, रुकिए थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं पेज को, जिससे समझ में आएगा, सवाल नोट कर लिया आप लोग ना, ठीक है। आपके पास था तोते दिया था, तोतों की संख्या पैरों को अगर आपने निकाला क्या बचा था, x प्लस 2y बराबर 45 आया था आपके पास, और x प्लस y बराबर क्या आया मेरे भाई, सवाल में क्या था, x प्लस y बराबर 35 दिया है, 35, जल्दी से सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, जल्दी से बताओ उत्तर, अब लगा लो, पिछला सवाल बता दिया था, जल्दी लगाइए आप लोग, तुरंत लगाओ तुरंत, किसी बच्चे को कोई समस्या, अरे कह रहे हो अभी सर ये गया उड़, यहां बचा वाई, ये बचा 35 में, 45 में से 35 गया 10, किसी भी समीकरण में उठा के मान रख दिया करो, आप अगर इसमें मान रखते हो समीकरण 2 में, तो एक्स वाई की वैल्यू, तो एक्स तो ऐसे ही है, वाई की वैल्यू 10 आ गई है बराबर 35, क्या मेरे भाई अगर एक्स बराबर ये 35
लिखा है और 10 उधर ले जाओगे तो 35 माइनस 10 क्या होगा, 25 होगा। यही तो उत्तर होगा। जो भी पूछा रहे आपसे सवाल में वही उत्तर बता देना। देखो क्या पूछा है, तोतों की संख्या, तोते कितने हैं, x 10 है, तोते कितने हैं, 25। आपको ये देखना है, हमेशा यहीं पे सवाल करना सीखो, ये सब करना मत सीखो। ये देखो सवाल में आया x प्लस 2 बराबर 45, ये आया इतना, आप जानते हो ये कट जाएगा, y बराबर आएगा 10। 10 आ गया तो एक के उत्तर तो 10 आ गया, जब 10 आ गया तो यहां एक का मान रख दोगे तो वो बाद में घटेगा ही, इधर जाके अगर प्लस है और यहां माइनस है तो जुड़ेगा। तो 35 में से अगर 10 घटा तो 25 बचा, उत्तर डायरेक्ट 25 आया। एक सेकंड दो सेकंड के अंदर तो उत्तर बताओ 10 और दूसरा उत्तर बताओ 25, कोई समस्या नहीं ना। चल दिए अगले सवाल की तरफ। कंप्यूटर महाराज से आग्रह है कि अगला सवाल लाने का कष्ट करें। ये लिखिए अगला सवाल आया और महाराज जी ने सवाल आपके लिए बिना पूछे ही बड़ा कर दिया। ये देखो, समुद्र के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। वाह 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 वाह, समुद्र के किनारे मतलब बगुले जो हैं अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। मतलब ये तो अनहोनी हो गई, समुद्र किनारे कुत्ते भी जाने लगे। आज का जमाना अलग है मेरे यारों, ये लोग कुत्ते ले जाते हैं लोग वहां घुमाने के लिए। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या जल्दी बताओ। भाई ध्यान देना, कुत्ते हैं, कुत्ते के पैर कितने, 4। कुत्ते के पैर 4 और बगुले के पैर कितने, बगुले के पैर हैं 2। सर दोनों के एक ही एक होते हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 और पैरों की संख्या 60 है, पैर की संख्या 60 अभी आपने बार बार निकाला, हमेशा वही आएगा कि 2x, एक को x मानो, एक को मानो y और 2x प्लस 4y, क्योंकि इसके पैर हैं 4 बराबर आपके पास दिया है 60। आप यहां 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 2y बचेगा बराबर क्या बचेगा, 60। ये कटेगा तो x प्लस 2y बराबर 30 बचेगा, ठीक है ना। आप लोग इस स्टेप से हमेशा बचिए, इसको करने इसको मत कीजिए, हमेशा बचिए, ठीक है ना। तो क्या बचा, x प्लस 2y बराबर 60, इसको हटा दें, ठीक है। आपने कहा सर आया x प्लस 2y बराबर 60 का 30 बचा आपके पास, पहला समीकरण जल्दी से करना है आपको। दूसरा क्या कहा, x मतलब एक सर है, दूसरे के भी एक सर है और उनके सिरों की संख्या कुछ दिया था आपके पास 24 है। क्या मेरे भाई माइनस 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 हुआ, ये उड़ा, ये बचा y बराबर कितना 6। किसी भी समीकरण में एक ठुमान रख दो, चलो हम रखते समीकरण 2 में जब मान इसका x प्लस वाई का मान 6 रख दिए बराबर 24। अभी बताया था ये प्लस है उधर जाएगा, तो x बराबर 24 माइनस 6 गया कितना 18, उत्तर आया एक का मान 18 एक का मान 6 आया। एक बच्चा कह रहा है कमेंट मैसेज कर रहा है कि सर उसको समीकरण 2 ही में हमेशा मान रख रहे हो, चलिए समीकरण 1 में मान रख देते हैं मेरे भाई, तुम परेशान बिल्कुल ना हो, जो कहोगे वही किया जाएगा। समीकरण पहला क्या है आपके पास, एक्स 2 आया था ना, 2y, y की वैल्यू 6 है, 2 और 2 लिखा है तो 2 गुणे 6 दूनी 12, ठीक है ना, बराबर क्या है 30 है। तो क्या x बराबर 12 उधर जाएगा तो 30 माइनस 12 क्या 18 नहीं बचेगा, बचेगा तो बोलो उत्तर, बोलो जय हिंद जय भारत जय माता की बोलते रहो और सवाल को करते रहो। लो चलो सवाल करो एक ठू बहुत सुंदर सा, ये लीजिए। भेड़ तथा बकरियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल है, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, जल्दी से कीजिए मेरे शेर, जल्दी से आ गया, बहुत सुंदर सा सवाल है। अरे पानी तो पी लेने दिया करो यार, जल्दी चले आया जाए। आपसे सवाल में कहता है भेड़ तथा बकरी, भेड़ तथा बकरी के समूह में 16 पैर हैं, भेड़ तथा बकरी के समूह में 16 पैर हैं जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। ध्यान देना, सिर क्या है आपके पास, सिर कितने होते हैं 1, भेड़ की और बकरी कितने हैं 2। जल्दी से सवाल को कीजिए और सवाल का उत्तर आप लोग बताइए हमें।
बैठे हैं जल्दी बताइए। आया सवाल? देखो बेटा एक चीज इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, भेड़ तथा बकरी, भेड़ तथा आदमी है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ आदमी है, ठीक ना, थोड़ा सवाल टाइपिंग मिस्टेक है, भेड़ तथा आदमी है, ठीक है। तो भेड़ के पैर कितने होते हैं? चार, ठीक है ना, भेड़ के कितने पैर? चार। बकरी के कितने पैर, अरे सॉरी आदमी के कितने पैर? दो। तो 2x प्लस 4y बराबर 16 दिया, यही तो दिया था आपके पास सवाल में, दिया गया भेड़ की जो है इनके पास कितने हैं? 16 दिया है आपके पास, 4x प्लस 2y इक्वल टू 16 दिया है, लेकिन कहा क्या, इसमें जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब x सिर है x, दूसरे का भी y, प्लस 10 अधिक हैं, ठीक है, तो बचेगा क्या, x प्लस y, 10 इधर जाएगा, 16 में से 10 जाएगा 6, भाई समीकरण 2 ला दिए आपके लिए, समीकरण 1 ला दिए आपके लिए, अब तो कर दो यार, चलो करो जल्दी से, तुरंत करो सवाल को, उत्तर बताओ फटाफट कीजिए, फटाफट आ रहे हैं सवाल को बताने अभी हम, नहीं तो समीकरण 1 आया आपके पास, देखिए 2x दिख रहा है ना यहां पे, ठीक है, 2x प्लस 4y आया था, तो अगर अभी आप इसको काट दोगे 2x प्लस 4y ध्यान दीजिएगा बराबर क्या है 16, अगर इसको आप दो कॉमन लेते हो तो x प्लस 2y बराबर 16, ये दो से कट जाएगा 8 आएगा, हमेशा वही सवाल रिपीट हो रहा है, हमेशा बार बार वैसे ही रिपीट हो रहा है, तो आप लोग अपने मन में ये वाले स्टेप जान जाइए भाई, रट के रख लीजिए, इतना आना है कट के, तो आपके पास आया है x प्लस 2y बराबर 8, दूसरा था x प्लस y बराबर 6, क्या ये कटेगा, माइनस 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 कट गया, y बराबर 2 बचा, किसी बच्चे ने बताया 2 बचा, और हम बता रहे हैं कुछ और बचेगा, जल्दी से बताइए अगले सवाल की तरफ जिससे हम चलें, ठीक है ना, दो ही बचेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, अगला सवाल देखिए, यहां पे भाई y की वैल्यू रख दो तुरंत, x प्लस y की वैल्यू 2y बराबर 6 दिया है, x बराबर 2 माइनस इधर गया 4, क्या उत्तर आया, फिर से सवाल को समझो एक बार, इसको जितनी बार कहोगे उतनी बार समझाएंगे सवाल को, लेकिन लगा के दो, सिलेक्शन दो मेरे भाई, सिलेक्शन, नौकरी चाहिए, सितारे चाहिए, कंधों पे दरोगा बना के भेजना है, कसम है खुदा की, कहा क्या, भेड़ तथा कुछ भेड़ तथा आदमी के समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, सवाल को किसी भी प्रकार से एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, आपको करना क्या है, भेड़ के पैर होते हैं चार, आदमी के पैर होते हैं दो, समीकरण पहला बनाओ, 2x समीकरण पहला बनेगा, आदमी के पैर 2 होते हैं और भेड़ के पैर कितना 4 होते हैं, 4y xy दोनों को मान लो दिया है 16, अभी आपने बताया था कि अगर इसको दो कॉमन लेके काटोगे तो आपके पास बचेगा क्या, x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, अगर ये बचा समीकरण 1 लाया आपने, दूसरा जहां उसके बाद किसकी बात कर रहा है, चरों की बात कर रहा है, तो x प्लस y प्लस 10 अधिक कहा है, सिरों की संख्या 10 अधिक है, 10 कर दिया बराबर 16 आपके पास दिया था, तो x प्लस y 10 इधर गया, 16 में से 10 घटा तो 6 बचा, ये समीकरण दूसरा हो गया, लिखो समीकरण दूसरा यहीं पे डायरेक्ट, x प्लस y बराबर 6 बचा आपके पास, और ये कटा माइनस माइनस माइनस, ये बचा y बराबर 2, क्या उत्तर 2 आया, और इसकी वैल्यू पूछा अगर आपसे तो मान रख दो तुरंत दूसरे वाले या पहले वाले किसी भी समीकरण में, अगर आप पहले समीकरण में मान रखते हो तो x का वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू 2 है बराबर 8 दिया है, x बराबर 2 उधर जाएगा 6 बचेगा, उत्तर आया 6, तो बोलो जय माता की, जय हिंद जय भारत, जल्दी बोलो और सवाल लगाओ, वर्दी तुम्हारी होगी जरूर होगी, वर्दी के अलावा बहुत कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पढ़ते रहो मेरे शेर, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।